स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। तो जैसे कि आपको पता होगा, पिछला आपने वीडियो देखा था तो आपको पता होगा कि जर्मनी में अब शॉप्स वगैरह खुल गई हैं। तो आज हम जा रहे हैं आइकिया, क्योंकि हमको थोड़ा घर के लिए सामान लेना था, वर्किंग टेबल लेनी थी, अपना जो ऑफिस स्पेस है वो थोड़ा अपग्रेड करना है, क्योंकि घर से ही काम करते हैं सारा टाइम। तो फिर चलते हैं आइकिया और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर सामान हम लेते हैं और क्या यहाँ पर मिलता है, किस प्राइस पर। तो आज आपको देते हैं आइकिया का टूर। एक वेबसाइट पे सोचा जाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि सेम जो मॉडल हम ढूंढ रहे हैं टेबल का और चेयर का, वो मिलेगा कि नहीं। तो यार लग रहा है कि ऑनलाइन उन्होंने तो एटलीस्ट हटा दिया है, और अब जाके चेक करते हैं ऑफलाइन एटलीस्ट कुछ मिल जाए। नहीं तो आई थिंक न्यू मॉडल आ चुके हैं उन चेयर्स के, उन टेबल्स के सो वो थोड़े से एक्सपेंसिव है जो हमारा पहले जो टेबल लेने का प्लान था उससे, बट वो तो फिर जाके पता चलेगा। सबर का फल इस बार मीठा नहीं निकलेगा, इस बार अगर प्राइस बढ़ चुकी है तो। इस बार लगता है खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो आइकिया आ गया है, मास्क लगा लेते हैं और चलते हैं अंदर। ये वाला चेयर लेने का बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन इसके लिए एक तो घर में जगह नहीं, और दूसरा ऐसा लगता है कि ये बस शॉप के लिए थोड़ा महंगा वो हो जाएगा खर्चा। ये काफ़ी सही चीज़ दिखी है। तो इसमें यहाँ कुशनिंग दी हुई है, तो इसको आप अपने लैप पे रख के आराम से, और यहाँ पे अपना लैपटॉप वगैरह रख के काम कर सकते हैं। तो हार्ड भी नहीं होगा, और कुशन भी मिल गया, और लैपटॉप टेबल भी बन गई, मस्त लग रही है ये। यहाँ के लोग भी ये कूटनी यूज करते हैं क्या? सही है ना? ये तो एकदम ड्रीम सोफा है, कलर भी इतना मस्त है, और वेलवेटी में बहुत ही सही लग रहा है, लेंगे कभी तो। तो हम 2-3 महीने से आइकिया खुलने का वेट कर रहे थे कि जब आइकिया खुलेगा, तो हमको एक हाइट एडजस्टेबल टेबल चाहिए थी ताकि खड़े होके भी काम कर पाएं, क्योंकि पूरे दिन बैठे बैठे ऐसे बहुत ही लथार्जिक लगता है। तो हम जब लास्ट टाइम आए थे आइकिया लॉकडाउन से पहले, जो हाइट एडजस्टेबल में मैनुअल वाली टेबल होती थी वो यहाँ रखी होती थी, बट जैसे कि सचिन ने बताया वो अब अवेलेबल नहीं है। तो हमको जो हाइट एडजस्टेबल टेबल लेनी थी वो थी मैनुअल, उसमें आप खुद से घुमा के उसको ऊपर नीचे कर सकते थे, और वो समवेयर अराउंड 200 यूरो की आती थी। और जो बटन वाली होती है ये मतलब 500-600 वैसे की है, लेकिन आइकिया ने शायद वो वाला बंद कर दिया है मॉडल, और अभी एक नई निकाली है जो कि 300 यूरो की है, और बटन से ही मतलब हाइट एडजस्ट हो जाती है। बट स्टिल अगर वो ऑप्शन नहीं मिलता है तो इसके 100 यूरो ज़्यादा लग जाएंगे बिना बात। Do we have the manual height adjustable table or it's discontinued? That one. It's not available at the moment. We have production problems. So do you have any idea? It's in the end of August, September maybe. Yeah. Oh, that's quite a lot. एक ये भी है, ये 450 यूरो की है, इतनी बढ़िया है, इसमें मुझे लग रहा है मैं और सचिन दोनों आधा आधा डिवाइड करके इसको ही ले सकते हैं, दो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला भी काफ़ी सही ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि अब वो तो अवेलेबल नहीं है, तो सोच रहे हैं ये ले लें। इसमें मतलब अच्छी बात ये है कि मैनुअल नहीं करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक हाइट एडजस्ट हो जाएगी, तो मतलब 100 यूरो ज़्यादा लग के एडिशनल मिल रहा है अभी थोड़ा, तो लग रहा है कि ऑनलाइन अगर पहले ही ऑर्डर कर दी होती वो वाली तो 100 यूरो बचा सकते थे। बट कोई बात नहीं, ये भी काफ़ी सही ऑप्शन लग रहा है इसमें, बस देखते हैं कि प्योर वाइट में भी आएगी कि, वैसे ये ग्रे कलर भी काफ़ी सही लग रहा है।
देख रही हूँ बैठ के कि कैसा रहेगा इस पे काम करना। काफी सही है वैसे। तो अब चेयर के ऑप्शंस देख रहे हैं, तो एक तो ये वाली काफी सही लग रही है, ये है 129 यूरो की, काफी कंफर्टेबल है। और एक और ऑप्शन है वो भी दिखाती हूँ, और सेकंड ऑप्शन ये वाली है, ये वाली भी काफी सही लग रही है, ये भी अगेन काफी कंफर्टेबल है, इसमें ऐसे नेक सपोर्ट भी है। और ये वाली है एक्चुअली सिर्फ 70 यूरो की है, तो प्राइस में काफी डिफरेंस है और कंफर्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो अब हम चेक कर रहे हैं, दोनों चेयर हमने पास में रख ली है कि कौन सी ज्यादा कंफर्टेबल है। तो थोड़ा सा इसमें ये दिक्कत लग रही है कि ये मेरे ना साइज पे नहीं है, तो ये थोड़ा सा एक मुझे इसका ठीक नहीं लग रही है, बट बाकी और देखती हूँ बैठने बैठने में कैसे है। तो ये वाला दोनों ऑप्शंस फाइनल होते हुए से लग रहे हैं, ये 300 यूरो की टेबल है और 129 की ये चेयर है। तो ऑफिस का फाइनल हो गया है सारा सेटअप, अब थोड़ा सा गृहस्थी के लिए कुछ सामान ले लेते हैं। और ये यहाँ पे देख सकते हैं पूरा का पूरा किचन सेटअप इन्होंने बना दिया है। तो जैसे ये बात भी बहुत अच्छी है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि घर में कैसे क्या रखना है, तो आप पूरा यहाँ से इंस्पिरेशन लेके सेम अपना किचन ऐसा बना सकते हैं। ओ ये वाली काफ़ी सही लग रही है, 500 यूरो की है, लकड़ी की लग रही है, प्योर वुड है, काफ़ी बढ़िया है, आई थिंक 8 सीटर है। और अगर आपको खाने में भी एकदम कंफर्ट चाहिए तो आप ये डाइनिंग टेबल के साथ में सोफ़ा भी ले सकते हैं बैठने के लिए, काफ़ी सही है ना। और ये यहाँ पे फिर सारे बेड्स के ऑप्शन भी हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे बेड्स में भी, मतलब अगर कम बजट में लेना है तो कम में मिल जाएगा, अगर ज़्यादा बजट है तो फिर आप जैसे कुशन वाले, और जैसे छोटे बड़े में भी सारे ऑप्शंस हैं, किंग साइज, क्वीन साइज, सिंगल बेड, जैसे आप देख लो यहाँ पे। और यहाँ पे भी अगेन पूरा सेटअप भी बनाया हुआ है कि आप पूरा एकदम देख सकते हैं कि बेडरूम अगर ऐसा का ऐसा बनाना है तो यहीं से आप सारा सामान लेके और फिर अपना बेडरूम बना सकते हैं। ये वाला कितना मस्त लग रहा है, एकदम ऐसे कम्फर्टेबल और कोजी। और ये आ गया पूरा वार्डरोब का सेक्शन, एकदम बड़ी बड़ी वार्डरोब्स हैं। बाकी जैसे अगर आपको इतनी बड़ी नहीं लेनी होती है तो छोटे साइज़ में भी मिल जाती हैं, बाकी ये वाली तो काफ़ी बड़ी और एकदम मस्त दिख रही है, काफ़ी महंगी भी है, 871 यूरो की है ये वाली, वो सामने वाली 1000 यूरो की, बट कितनी सुंदर लग रही है, 4 डोर है, काफ़ी स्पेशियस है। थोड़ा बहुत और सामान डाल लिया है कार्ट में, रिकॉर्ड करना भूल गए थे, जैसे ये एक क्यूट सा लैंप लिया है बेड साइड, फिर एक चाय का कप लिया, आइकिया में जितनी बार भी आती हूँ एक चाय का कप तो ले ही लेती हूँ, फील्स रहनी चाहिए चाय पीने में। उसके अलावा फिर ये जैसे सोप वाले लिए हैं 2-3, और तो कुछ खास लिया नहीं, ये एक बॉक्स लिया है, बाकी बाद में दिखाते हैं पूरा क्या क्या लिया है वो। तो यूजुअली जैसे जो भी हमने टेबल चेयर वगैरह ऊपर देखी थी वो सब डिस्प्ले पीसेज होते हैं, उसके बाद में जैसे आप नंबर नोट करते हो एंड फिर जैसे यहाँ से वो कलेक्ट करना होता है, फिर उसको घर पे जाके खुद से बनाना होता है। तो अब हम इस वाले सेक्शन में आ गए हैं जहाँ पे पूरा फर्नीचर ऐसे बॉक्सेस में रहता है, तो अब ढूंढते हैं कि हमारी टेबल और चेयर कहाँ पर मिलेगी। तो अब हम ये वाले सेक्शन में आ गए हैं जहाँ से पिक करना है। तो ये जैसे टेबल के ऊपर का बोर्ड है, ये यहाँ पे चेयर है और वो वहाँ पे टेबल के नीचे का पार्ट है, तो अब वो लेके और इसमें लेके जाएंगे और फिर गाड़ी में लोड करके घर जाएंगे। तो
तो वो सब टेबल वगैरह के साथ में ये सब छोटा मोटा सामान भी ले लिया है, लेकिन ये छोटा छोटा सामान का लग रहा है कि मोटा बिल बनेगा। तो वहाँ पे सेल्फ चेक इन वाला वो है काउंटर, तो चलते हैं और देखते हैं कि ये सारा लेंगे कि कुछ छोड़ देंगे बिल को देख के। तो अब चलते हैं, लाइन में आ गए हैं। पिछले वाले शॉपिंग के वीडियो में आप सब ने कमेंट्स किए थे काफ़ी सारे कि मैंने दिखाया नहीं मैं क्या लेके आई, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें मैं दिखा देती हूँ मैं क्या लेके आई। तो ये सारा तो वो टेबल चेयर और जैसे ये चेयर के नीचे ताकि स्क्रैच ना हो वुडन फ्लोर पे, तो वो सारा सामान है। उसके अलावा ये थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान ले लिया। तो ये जैसे मैंने आपको दिखाया ही था लैपटॉप और कुशनिंग के लिए, तो ये जैसे अगर मुझे सोफे पे बैठ के एडिटिंग करनी हो तो उसमें ये काफ़ी सही रहेगा। उसके अलावा फिर ये एक फॉलिंग प्लांट ले लिया, उसके अलावा ये एक लैम्प ले लिया, और ये ऐसे वॉल पे हैंग करने के लिए है जैसे डेकोरेटिव अगर कुछ बनाना हो उस हिसाब से ले लिया। फिर थोड़ा बहुत ये वास है, ये ऐसे किचन के सामान के लिए, ये अगेन वास, ये किचन का वो चाय का कप, ये जैसे वो कोई भी पैकेट अगर खोलते हैं तो उसको जैसे सील करने के लिए क्लिप्स हैं। उसके अलावा फिर ये सोप होल्डर्स मैंने दिखाए ही थे, और ये अगेन सम प्लांट्स बहुत सारे हैं। मैं जितनी बार भी आईकिया या कोई भी शॉप पे जाती हूँ तो आर्टिफिशियल प्लांट्स या फिर जो रियल प्लांट्स हैं बस भर भर के ले लेती हूँ। और उसके अलावा फिर ये और प्लांट, ये कैंडल होल्डर, ये कैंडल, ये वाला किचन के लिए जैसे यहाँ पे क्योंकि वुडन की ही स्लैब होती है तो ये सब जैसे गर्म बर्तन उतारा गैस से फिर इस पर रखने के लिए वो हिसाब से। फिर ये अगेन कुछ तो डेकोरेटिव पीस, और ये डब्बा, तो यही सब लिया है। और ये ऐसे ही फ्लावर्स खुशबू के लिए। तो इन सब का बिल अगर मैं बताऊं तो जैसे ये जो ऑफिस का सामान था ना, चेयर टेबल और ये वाला जो है इसका मिला के तो आई थिंक 450 हुआ था। उसके अलावा ये सब जो भी है ये आई थिंक 60 यूरो हुआ, तो टोटल बिल 510 यूरो का बना है। होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको आइकिया का टूर देखने में मज़ा आया, और जैसे ये ऑफिस वगैरह का घर का ये सब छोटा मोटा सामान हमारा हमने जो लिया वो भी आपको अच्छा लगा हो, देखना पसंद आया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप और कुछ देखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में बताइए, हम कोशिश करेंगे बनाने की। और अगर जर्मनी के ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं या फिर यूरोप के बारे में और वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो है आपको पता रहे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और बाकी मैं मिलती हूँ अपने आगे के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।